प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं। शिमला में जल संकट से आपातकालीन जैसी स्थिति बनी हुई है और प्रदेश सरकार पानी की समस्या का हल नहीं कर पा रही है। ये बात पूर्व मंत्री एवं सोलन से विधायक कर्नल धरीनाम शांडिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जिला सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शांडिल ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है, जिसे पूरा करने में सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने ही लोग अस्पतालों में अनशन करने बैठे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि सरकार अपनी भूमिका को सही तरीके से अदा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैंकर माफिया सहित विभिन्न माफिया सक्रिय है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। शांडिल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी वादे जुमले है। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में जल संकट की स्थिति पैदा हुई है, इससे निपटने के लिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पानी की बूंद बूंद का संरक्षण करना होगा, तभी भावी पीढ़ी को पानी मिल पाएगा। एक गंभीर संकट हमारे पास पानी का है, जो न केवल हमारे बल्कि मैं समझता हूँ पूरे शायद प्रदेश में ही ये जल संकट उभरा है, और इसमें हमारे सभी नागरिकों की, सभी बच्चों की, सभी लोगों की मैं समझता हूँ भूमिका है। कुछ एक मेडिकल की समस्याएं उभरी हैं, मैं कल भी देख रहा था, और मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से प्रार्थना की है कि हमें यहाँ के लिए एडिशनल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स मिलें, ताकि ये समस्याओं से हमारे निजात हो। चले गए ऊपर रामपुर, और हमें एक परमानेंट ईओ की आवश्यकता है। इसमें मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि कृपा करके जो ईओ है वो परमानेंट बांटा जाए, और ये घड़ी घड़ी से कभी किसी को पढ़ा देते हैं, चार्ज उससे समझ नहीं आता, जितने तक समझ आता उतने तक यहाँ से चला जाता है। ये इस प्रकार का सिलसिला चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, डी चैनल, सोलन।